वेलकम बैक टू किरण व्लॉग्स। एंड आज मैं बहुत लेट ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफी सारे क्लिप्स हैं जो मैंने निकाले हैं सलून में, क्योंकि वहां पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो आप देखने वाले हो एट द एंड ऑफ द व्लॉग। तो मैंने केराटिन ट्रीटमेंट कराई हुई है अपने बालों में एंड माई हेयर लुक सुपर शाइनी। एक्चुअली मेरे बाल कर्ली है एंड बहुत ही फ्रिजी है, तो मैंने सोचा कि स्मूदनिंग और ये सब कराने से तो मैं केराटिन करा लूं, उसमें वो प्रोटीन की लेयर लगाते हैं जिससे आपके बालों में एक्स्ट्रा शाइन आ जाती है और आपके बालों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये तो उन्होंने ब्लो ड्राई किया हुआ है, थोड़ा बहुत स्ट्रेट किया हुआ है, बट मेरे रियल जो बाल हैं वो थोड़े वेवी ही रहेंगे, एकदम स्ट्रेट नहीं रहेंगे। सिर्फ ये 20-30% ही बालों को स्ट्रेट करता है। तो इफ यू वॉन्ट टू सी द प्रोसेस कि कैसे मेरे बाल ट्रांसफॉर्म हुए, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। और इन्होंने मुझे शैम्पू भी सजेस्ट किया है, वही केराटिन का। आप एक मिनट यहाँ रुकिए, मैं लेके आती हूँ। यस, तो ये शैम्पू है उसी ब्रांड का जिसका मैंने केराटिन करवाया है। एंड ये भी काफी, मतलब इसको दो दो दिन में वॉश करने को बोला है, मुझे नहीं लगता दो दो दिन, बट एटलीस्ट वीक में दो बार मैं वॉश जरूर करूँगी। और क्या सावधानी और क्या करना चाहिए केराटिन के बाद, करना चाहिए प्रिकॉशंस? और आपको ऑयलिंग नहीं करना है और हेयर की जितनी हो सके उतनी केयर करनी है, और 3-4 मंथ के बाद आफ्टर आपको ट्रीटमेंट करवा रखा है। फिर से केराटिन गया। सो थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू किरण व्लॉग्स।